भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है मोदी की वजह से है मजबूत, लेकिन जो बात वरुण गांधी की है, वरुण गांधी अपने आप में सक्षम है, वो जहाँ से खड़े हो जाएंगे लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। विरोधी दल के भी हैं जैसे नाराज भी हो जाते हैं कभी एजुकेशन को लेकर, अभी जैसे यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं और उनको जो है वो जिता कर भेजे। सर चाहे किसी को दिया जाए वोट योगी मोदी जी को देख के दिया जा रहा है। सर श्रेष्ठ यूपी, आज हम बात करेंगे सबसे चर्चित सीट पीलीभीत पहाड़ी लोकसभा सीट की। यहाँ से वरुण गांधी सांसद रहे और वरुण गांधी के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी ने जितेन प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। इन दिनों चाय की दुकान से लेकर पार्कों तक सिर्फ सियासी चर्चा चल रही है। ऐसे में पीलीभीत की जनता क्या कुछ सोचती है, भारतीय जनता पार्टी के जितेन प्रसाद के बारे में क्या कुछ राय है यहाँ पर, और समाजवादी पार्टी और गठबंधन को लेकर यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, हमें आज ही जानेंगे। प्रीतमलाल जी, 35 साल से यहाँ पर वरुण गांधी, मेनका गांधी सांसद होते चले आए हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अब जितेन प्रसाद को अपना उम्मीदवार बना दिया, क्या देखते हैं, क्या कुछ जमीनी मुद्दे रहेंगे इस बार? भारतीय जनता पार्टी ने काम को देख कर किया है। जमीनी मुद्दे क्या पीली भी, क्या कुछ नहीं हो पाया अब तक जो होना था, जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ? क्या कुछ होना चाहिए था, अब क्या होगा? फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए थी जिससे उद्योग बढ़ता पीलीभीत का। अच्छा, वरुण मेनका गांधी जब यहाँ से सांसद रहते थे तो कभी कोई स्टार प्रचारक यहाँ चुनाव लड़ा नहीं आता था, आज योगी आदित्यनाथ आए और 6 तारीख को अमित शाह, उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आने, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है वो मजबूत है या कमज़ोर? भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है मोदी की वजह से है मजबूत, लेकिन जो बात वरुण गांधी की है, वरुण गांधी अपने आप में सक्षम है, वो जहाँ से खड़े हो जाएंगे लाल वहीं से शुरू हो जाएगी। वरुण का कुछ फर्क पड़ेगा, वरुण गांधी नहीं है इस बार चुनाव में, कुछ फर्क देखने को मिलेगा? सामने गठबंधन का प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी के भगवत शरण है, बीएसपी के फूल बाबू है, कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ सकता है। ये कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप युवा हैं, क्या कहना है आपका, क्या नाम है भाई? राहुल श्रीवास्तव नाम है मेरा। राहुल जी, अब देख रहे हैं कि वरुण गांधी यहाँ से सांसद थे, अब के बाद जितेन प्रसाद हैं और सामने गठबंधन का प्रत्याशी है, बसपा भी सामने चुनाव मैदान में, तो क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं यहाँ पर पीलीभीत को लेकर? देखिए, काफ़ी लोगों से जैसे हम मिलते जुलते भी रहते हैं, आपस में युवा बातें भी करते रहते हैं, शिक्षा को लेकर या फिर कोई विकास को लेकर ना, युवाओं के बारे में भी। तो कुछ युवा हैं जो कुछ विरोधी दल के भी हैं जैसे नाराज भी हो जाते हैं कभी एजुकेशन को लेकर, अभी जैसे यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया था, ठीक है, तो इस मुद्दे पर काफ़ी चर्चा फैली रही, काफ़ी अफवाह भी रही, और विरोधी पार्टी जो थी ना, उनने इस बात का फ़ायदा भी थोड़ा उठाया और गलत आरोप सरकार पे लगाना, ये सरकार के हाथ में नहीं, ये तो कुछ अधिकारियों का करप्शन होता है, तो उनको सुधारने के लिए हमारे माननीय योगी जी हैं, मोदी जी हैं, काफ़ी अच्छा कार्य। जमीनी मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव में इस बार? ज़मीनी मुद्दे क्या, ये तो हमारा, हम तो देखो पक्का समर्थन है अपना, और जितने भी अपने साथ के हैं जो भी हैं, मेरा तो पहला तो यही है कि कट्टर हिंदू भाई, तो हिंदू की तरफ ही जाना मुझे। हिंदुत्व को लेकर बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो पेपर लीक की बात सामने निकल कर आई, तो कहीं ना कहीं पेपर लीक को लेकर युवाओं में रोष भी देखने को मिल रहा है। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक, क्या कुछ देखते हैं पीलीभीत की राजनीति को लेकर, भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है, और ऐसे में पीलीभीत के मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? देखो भैया, भारतीय जनता पार्टी ने वो तो बदल दिया, ठीक है, लेकिन पीलीभीत के मुद्दे कायम रहना चाहिए वैसे। और लोगों से बात करते हैं, सर आप बताइएगा, आप सभासद भी हैं, ऐसे में क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का माहौल इस बार वरुण गांधी के होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बीजेपी सरकार ने देश में करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रही है, उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं के घरों में जो है चूल्हे जलना बंद हो गए और आज गैस सिलेंडर पर वो खाना बना रहे हैं, बहुत विकास के काम हो गए हमारे पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में ही। एक पीलीभीत में एक शारदा पार जो है, जो लोग नाव पे जाते थे, आज उनके लिए पुल का निर्माण होने जा रहा है, मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, और हर बार ज़्यादा उम्मीद होती है और सरकार जो है अच्छा करेगी। पीलीभीत में भाजपा प्रत्याशी चेंज जरूर हुआ है, लेकिन जितेन प्रसाद जी भी बहुत अच्छे लीडर हैं और इस समय उत्तर प्रदेश में वो मंत्री भी हैं और काफ़ी विकास कार्य उन्होंने कराए हैं, तो मेरा सोचना ये है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं और उनको जो है वो जिता कर भेजेंगे। अच्छा, जैसा कि देख रहे थे 35 सालों से 40 सालों से कई दशकों से यहाँ पर मेनका वरुण गांधी का गढ़ रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वरुण गांधी का टिकट काट दिया, तो सीधे तौर पर तमाम सारे दिग्गज नेताओं को यहाँ अपनी ताकत दिखानी पड़ रही है, क्या वजह है? पहले भी आए हैं हमारे यहाँ, लालकृष्ण आडवाणी जी पहले भी आते रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं, काफ़ी प्रधानमंत्री हमारे पीलीभीत में आए, और आज से नहीं,
इंदिरा गांधी की पीरियड से आज तक हमारे प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में राजीव गांधी जी सभी हर पार्टी के आते हैं, उसी तरीके से हमारे योगी आदित्यनाथ जी तो कई बार आ चुके हैं पीलीभीत, आज वो चुनाव प्रचार में आए तो ऐसा कोई विशेष नहीं है। और पहले भी प्रधानमंत्री आए थे तो बरेली कार्यक्रम हुआ था और पूरे मंडल का हुआ था, इस बार उनका कार्यक्रम पीलीभीत में लगा है तो सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए। स्थानीय मुद्दे क्या रहने वाले? स्थानीय मुद्दे ऐसा कोई खास स्थानीय मुद्दे नहीं है, जो देश का विकास का मुद्दा है और भयमुक्त समाज का मुद्दा है तो वो सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है और सब लोग, मैं भी क्षेत्र में निकला और लोगों ने बताया तो सभी लोग भाजपा को वोट देने को तैयार हैं। कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास कराया, और कुछ लोग हमारे साथ मानते हैं सर बाघ की एक बड़ी समस्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा बोर्ड का बहिष्कार कर दिया गया और बाघ को लेकर काफ़ी ग्रामीण परेशान रहते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने भी मन से मानव एवं वन्यजीव संघर्ष की घटना को रोकने की बात कही, क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ, ये बिल्कुल सही मुद्दा है। हमारे पीलीभीत में जिस तरह से जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसमें काफ़ी तेज़ी से बाघों की संख्या बढ़ रही है और उसके साथ ही जो गांव के लोग हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, बाघ का और जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी गई है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार तो खैर सोच ही रही है सबके भले के लिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो वहाँ पर स्टाफ है, जो वहाँ पर रिक्त जो क्या बोलते हैं जो वहाँ पर पोजीशंस हैं वो उनको जब फिल कर देगी सरकार जब, तो हमारे पास पूरा जब मैंस पूरा स्टाफ होगा तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, और ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं अपने आप ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। सरकार की योजनाओं के साथ मानते हैं कि तमाम जो विभाग हैं उनमें स्टाफ की कमी है? हाँ, स्टाफ की जो कमी है उसको उस कमी तो है हर विभाग में कहीं ना कहीं, मुझे लगता है स्टाफ की कमी है। और खैर ये तो जग जाहिर है, न्यूज़पेपर्स में भी निकलता रहता है कि यहाँ मेडिकल स्टाफ की बात करें या फॉरेस्ट में बात करें तो स्टाफ की कमी तो है ही, तो मुझे उम्मीद है कि सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी और इस मैटर को ज़्यादा सीरियसली लेगी आगे। कहीं ना कहीं जो पीलीभीत है, पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा सीट कही जाती है, देश का मुद्दे की बात करें तो ऐसे में युवा जो है यहाँ से वो बेरोज़गारी को लेकर काफ़ी परेशान है, और ऐसे में तमाम तरीके के जो विभाग हैं उनमें भर्ती को लेकर भी यहाँ से सवाल उठाए, और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर? मनीष अग्रवाल। सर मनीष जी, देख रहे हैं पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा सीट है और यहाँ से वरुण गांधी का टिकट काट के भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे प्रत्याशी को दे दिया है आपस, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, क्या कुछ चुनाव होगा इस पर? सर चाहे किसी को दे दिया जाए वोट, वोट योगी मोदी जी को देख के दिया जा रहा है सर। सपा गठबंधन का तो गठबंधन हो गया, कुत्ते कुछ कर ले। देखिए पीलीभीत में क्या चीज़ है, यहाँ ना रोड है ना कुछ है, तो भी आदमी मोदी योगी को देख के दे रहा है यहाँ पे ना। आप किसी रोड पे चले आइए, हर जगह आपके रोड पे गड्ढे पड़े हुए हैं, यहाँ पे आदमी को नहीं देख रहा है, यहाँ योगी मोदी जी देख रहा है। वरना तो हम लोग चाहें तो रोड पे देखें, हम रोड नहीं है तो हम वोट नहीं देंगे, लेकिन कहीं आप निकल जाइए किसी रोड, आप कौन सी रोड सही है, यहाँ पे आपका 20 किलोमीटर में पूरा पीलीभीत है, कोई 20 किलोमीटर में कोई रोड बढ़िया है? किसी वरुण गांधी ने या कोई भी जितने मंत्री विधायक रहे हैं किसी ने रोड का ध्यान दिया? चौराहा डीएम साहब जरूर आए थे, उन्होंने चौराहा जो देखा, चौराहे से हम लोगों को नहीं होना है, हम लोगों को रोड पर चलना है सर, रोड पे चलना है, और हमें मेडिकल सुविधा चाहिए और शिक्षा सुविधा चाहिए, वो हम लोगों को नहीं मिल पाती है। मेडिकल कॉलेज दिया लेकिन अब तक शुरू नहीं हो पाया। मेडिकल सर, मेडिकल कॉलेज शुरू आया सर, थोड़ी फायदा है सर, अब डेंगू होता है आदमी सोचता है कहाँ है, 50-50, 60-60 हज़ार रुपये डॉक्टर को दिए जाते हैं, कहीं भर्ती हो नहीं रही है, कुछ नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग सब लोग जो हम तो ये देखते हैं क्राइम हमारा जो खत्म हुआ है उसको विधायक जी हम लोग विधायक को नाम सांसद को देख रहे हैं, हम तो सीधे ऊपर देख रहे हैं अपने को, क्योंकि हमारा ऊपर मजबूत, हमारा प्रधानमंत्री मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा सामने निकल कर आया, नौकरी भर्ती में तमाम चीज़ें निकल के आई, ऐसे में क्या लगता है कि योगी मोदी को वोट देने से पीलीभीत का विकास होगा? 4 विधायक हैं, 1 नगरपालिका है, वो भी भाजपा के खाते में है, अब सांसद भी भाजपा के खाते में एक बजे तक होते आए हैं, क्या लगता है इस बार? सर उसमें तो आप जो बेरोजगारी बात करें, बेरोजगारी तो मुद्दा हर समय से उठते आया है सर, थोड़ी सी कमी हम लोगों में भी है सर। क्या हम लोग काम निकलना चाहते हैं सर, अगर जिसको काम मिल जाता है वो काम निकलना चाहता है। अब आप देख लीजिए जितने भी आपका वहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, आप देखिए जो उन्होंने नौकरी मिल गई है कौन से टाइम से आता है सर, फिर हम लोग कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी। आप बैंक में चले आइए सर, हमें धुतकार के भगाते हैं, जब पहले तो भगवान के पास जाते हैं, दुआ मनाते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, जब नौकरी मिल जाती है तो उसको समझते नहीं है, तो इस बात को ही समझना चाहिए उन लोगों को कि हाँ जनता के प्रत्याशी क्या कुछ लेके आ रहे हैं आपके बीच। जनता के प्रत्याशी सर कुछ भी लेके आए सर, वो तो सर वो लड्डू लेके आएंगे सर, कुछ नहीं हम लोग लड्डू के देना है कुछ नहीं है, हम तो योगी मोदी जी देख रहे हैं, क्योंकि हम अगर योगी मोदी जी हैं तो हमारा देश बचा हुआ है, हमारे पर भारी तात्व है। जो आपका यूक्रेन से बच्चे आए हैं या पीलीभीत का भी एक आया था बंदा, तो वो खुद बता रहा था कि उसका यहाँ पे सबरवाल जी हैं, उनका बेटा खुद बता रहा था कि हमारा झंडा आता तो हमारा बच के आ गया, हमारा बच्चा
तो हम तो ये देख के यार हमारा देश सुरक्षित है, तो हम योगी मोदी जी दे रहे हैं देश सुरक्षित चक्कर में। ठीक है, कहीं ना कहीं जो पीलीभीत है वो तमाम तरीके के मुद्दों की अगर बात हो, बेरोजगारी का मुद्दा है, भर्ती को लेकर है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर राष्ट्रवाद की बात आज योगी आदित्यनाथ ने मंच से कही, तो सीधे तौर पर अन्य प्रत्याशी, चाहे गठबंधन का प्रत्याशी हो या फिर बसपा का प्रत्याशी, वो प्रत्याशी मैदान में जनता के बीच नज़र ही नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जो पीलीभीत की जनता है वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करती नज़र आ रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले 19 अप्रैल को यहाँ पर किसके सर ताज सस्ता है। कैमरा सहयोगी प्रिंस के साथ प्रकांत शर्मा, श्रेष्ठ यूपी, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।